हेलो गाइस, वेलकम टू कुमार क्लासेस। हम लोग आज देखेंगे पॉलिटी का जो नेक्स्ट वाला सवाल था, उस मतलब 1500 का जो सीरीज चल रहा था उसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। 1500 से लगभग प्लस लगभग 2000 की मैं बात कर रहा था कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, जो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको बीपीएससी, एमपी पुलिस, खास करके बीपीएससी टीचर, एमपी पुलिस, एमपीएसआई और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि हर एक तरह के आपको एग्ज़ाम में, हर एक तरह के परीक्षा में इसको देखने को मिलता है। तो देखिएगा, आप लोग इसे समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान सरल शब्दों में समझाऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा, ठीक है। पहले भी हमने बताया था कि ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब जो है ना, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस रहेंगे, पॉलिटी के ही सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे, 1500 का सीरीज चलेगा। इसी तरीके से मैं हर एक का जो है ना 1500-1600, आपको 1500 से 2000 के आसपास के बीच में आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के सारे के जो है ना आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ साथ अगर किसी को जो परीक्षार्थी इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की अगर जो है ना तैयारी कर रहे हैं, तो उनको शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी जो है ना आपको पढ़ने में सुविधा हो। आगे देखते हैं हम लोगों ने बाकी पहले देख चुका था, अब देखते हैं मूल अधिकार और राज्य नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। तो मूल अधिकार जो है ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जो फंडामेंटल राइट को पहले भी मैंने बताया है कि फंडामेंटल राइट जो को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आप डीपीएसपी को लेकर के जो है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मतलब सीधा सा मतलब है कि मूल अधिकार वाद योग्य है और जो आपको नीति निर्देशक तत्व तो है वो वाद योग्य नहीं है, ठीक है। आगे की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है। मतलब भारतीय संविधान मतलब क्या कहता है कि मतलब भारत के संविधान के अनुसार सबसे जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का जो स्टार्टिंग जो आपको लेटर है वो यहीं से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से। तो हम भारत के लोग, इसका मतलब भारत का संविधान को जो है ना हम भारत के लोगों ने बनाया, इसलिए भारत के संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार किसके पास है, जनता के पास है, भारत की जनता के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया है कि 42वां जो संविधान संशोधन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। 42वां जो संविधान संशोधन होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या आपको लघु संविधान के नाम से जानते हैं। ये 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, मैं पहले भी बता चुका हूं, 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता की बात कही गई है, एकल नागरिकता की बात कही गई है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एकल नागरिकता की बात कही गई है। किस संविधान संशोधन में, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रियम्बल में आपको संशोधन किया गया। प्रियम्बल में तीन शब्द को जोड़ा गया था हमारे संविधान के प्रस्तावना में, हमारे संविधान के उद्देशिका में, या हमारे संविधान के आपको प्रियम्बल में कह सकते हैं, प्रस्तावना कह सकते हैं या उद्देशिका कह सकते हैं, इसमें तीन शब्द को जोड़ा गया था। एक धर्म निरपेक्ष जोड़ा गया था, एक जो है ना
धर्मनिरपेक्ष के साथ जो है ना आपको समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, और उसके साथ साथ आपको जो है ना समाजवादी के साथ साथ अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये हमारे संविधान के आपको प्रियम्बल में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। अभी हमने बताया कि 1976 में जो आपको संविधान संशोधन हुआ था उसके जरिए हम लोगों ने प्रस्तावना में आपको तीन शब्द जोड़े थे। और 42वां संविधान संशोधन को हमने क्या बोला था आपको? आपको लघु संविधान बोला था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे संविधान सभा के जो है ना आपको जब पहली मीटिंग हुई थी, मैं बता रहा हूँ फिर से, 1946 को हुई थी पहली मीटिंग। कब हुई थी फर्स्ट मीटिंग? जो आपको फर्स्ट मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, वो आपको जो है ना 1946 में 9 दिसंबर को हुई थी। इसके अध्यक्ष जो है ना आपको अस्थायी अध्यक्ष जो है ना सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, एसएन सिन्हा को चुना गया था। जब सेकेंड मीटिंग होती है, जब कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी मीटिंग होती है? सेकेंड मीटिंग होती है। तो सेकेंड मीटिंग जो कि 11 दिसंबर, दो दिन बाद होती है, वो 11 दिसंबर 1946 को जो है ना आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसे चुना गया था आपको? इसके अस्थायी अध्यक्ष कह लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोगों ने बनाया था संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार में निलंबित करने वाली सत्ता जो है ना आपको राष्ट्रपति है। भारत के संविधान में मूल अधिकार को कौन सस्पेंड कर सकती है? तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो आपको क्या कर सकते हैं? मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? तो जुलाई 1947 में जो है ना ब्रिटिश संसद में आपको ब्रिटिश सरकार के द्वारा आपको इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित किया गया था। और इस तरह से हम लोग 15 अगस्त को 1947 को आजाद हो गए थे। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान बनाने वाली जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति मतलब हमारे संविधान का रूपरेखा कैसा होगा, हमारा संविधान की जो है ना ड्राफ्टिंग किसने की थी, आपको उसका रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? उसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य वाली जो है ना ये समिति थी? तो 7 सदस्य वाली। कितने सदस्य वाली? 7 सदस्य वाली जो है ना ये समिति थी, जिसको हम लोग प्रारूप समिति कहते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मतलब संविधान का रूपरेखा जो है ना तैयार करने का जिम्मा किनको दिया गया था, हमारे देश के जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग किसने किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? आपको किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। ठीक है, अनुच्छेद 356 आया है तो इसके बारे में कुछ और हम लोग अलग बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 356 जो है ना आपको राष्ट्रपति शासन से है। किससे शासन, किससे है आपको? अनुच्छेद 352 की भी बात करेंगे इसमें, अनुच्छेद 356 की बात करेंगे और अनुच्छेद 307 की बात करेंगे। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद जो 352 है वो आपको राष्ट्रीय आपात से, नेशनल इमरजेंसी, आपको राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। देखिएगा, जोड़ लीजिएगा, 352 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपको? 356। इसमें भी प्लस 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 360। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको राष्ट्र याद करने के लिए ट्रिक मैंने बता दिया, 352 जो है ना राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। ठीक है, इसकी भी जो है ना उद्घोषणा कौन करता है? आपको राष्ट्रपति। जबकि इंदिरा गांधी के समय में जो है ना आपको राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी लगाया गया था, आपको 25 जून 1975 की बात याद आ रही होगी। तो राष्ट्रीय आपात की जो है ना वो वर्णन हमारे संविधान के 352 में है। अनुच्छेद 356 में क्या है आपको? राष्ट्रपति शासन। किसी भी राज्य में जो है ना संवैधानिक तंत्र जो है ना आपको सफल नहीं रहता, संवैधानिक तंत्र जो है ना असफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 का उपयोग करके भारत का राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में जो है ना राष्ट्रपति शासन आपको
लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो मतलब अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? आपको राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, प्रेसिडेंशियल रूल अंग्रेजी में कहते हैं। आपका अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीयपात से। ये इसकी घोषणा भी कौन करता है आपको? ठीक है, ये भी जो है ना आपको राष्ट्रपति ही घोषणा करता है। तो ये आपको अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय। नेशनल एमरजेंसी हम लोगों ने 352 में देखा, 356 में प्रेसिडेंशियल रूल देखा, और अनुच्छेद 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी देखने को मिलता है। मतलब वित्तीय आपात जो है ना आपको अनुच्छेद 360 के तहत कौन लगा सकता है? भारत देश का राष्ट्रपति ही। वित्तीय आपात आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया जा चुका है, जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आपको इंदिरा गांधी के टाइम में भी हुआ था। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में आपको प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में प्रथम संशोधन भारत के संविधान में कब किया गया था? संविधान तो हमारा बन के लागू ही हुआ था 1950 में। कब लागू हुआ था? 1950 में। और 1951 में हम लोगों ने उसमें क्या कर दिया था? कुछ चेंजेस ला दिए थे, कुछ जो है ना उसमें हम लोगों ने बदलाव लाए थे, उसमें कुछ हमने अमेंडमेंट लाया था। तो हमने संविधान में जो है ना आपको सबसे पहली बार संशोधन कब किया था? 1951 में। कैबिनेट मिशन की योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? नहीं। कैबिनेट मिशन की योजना में जो है ना संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित जो संविधान सभा है, संविधान निर्माण के लिए जो प्रस्तावित संविधान सभा है, उसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है ना संविधान सभा के सदस्य को नहीं चुना गया था। उस समय जो है ना आपको जो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी और उसके आधार पर उनको नहीं चुना गया था। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962 में हम लोगों ने क्या किया था? आपको गोवा सहित अन्य जो पुर्तगाली बस्तियां थी, जो पुर्तगालियों के कब्जे में थी, उनको हम लोगों ने क्या कर लिया था? आपको भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बना दिया गया था। कब बनाया था हम लोगों ने? 1962 में। आपको पता ही होगा कि आपको गोवा जो है पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था, बाद में जो है ना उसको भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया जाता है। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य को हमने पहले भी बताया है कि आपको रसिया से लिया है। संविधान में जो है ना हम लोगों ने मूल कर्तव्य को रसिया से लेकर के जो है ना हम अपने संविधान में जोड़े थे। मतलब सोवियत संघ के संविधान से भी कह सकते हैं, ये सोवियत संघ का ही जो है ना सब जो उत्तराधिकारी बनता है रसिया। रूस आपको ऑप्शन में आएगा, रूस लगा दीजिएगा। आपको सोवियत संघ ऑप्शन में आएगा, सोवियत संघ लगा दीजिएगा। इसको यूएसएसआर भी कहते हैं। इसका पूरा नाम आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग लिख सकते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आपको मूल कर्तव्य किससे लिया गया है? आपको सोवियत संघ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ठीक है, तो अब देख मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, हमने ये भी पहले भी बताया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो एक चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। ये कथन किसका है? केटी शाह का है। मतलब राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो जो है ना एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान आपको बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। ये कथन केटी शाह का है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी है। मतलब कहने का अर्थ है कि अनुच्छेद 368 जो है ना आपको संविधान में संशोधन करने की आजादी देता है। संविधान में संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद 368 के तहत, जो कि हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया था। कहाँ से लिया था हम लोगों ने? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है ना हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात जो है ना ली थी। वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है, 368 में है। इसके तहत जो है ना विशेष बहुमत के और कम से कम जो है ना आधे राज्यों का अनुसमर्थन जरूरी है। तो इसका उत्तर है कि हाँ भी और नहीं भी। मतलब आपको सभी मामले में संशोधन करने के लिए जो है ना विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, साधारण बहुमत के द्वारा भी कुछ जो है ना आपको चीजें संशोधित की जाती हैं, और कुछ के लिए जो है ना आपको विशेष बहुमत, और उसके साथ साथ
आधे राज्यों का कम से कम समर्थन जरूरी होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि आपको अनुच्छेद 367 तो आपको संविधान में संशोधन करने की इजाजत देता है, लेकिन उसके लिए सभी आपको जो है ना मामले में आपको विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। कुछ मामले में होती भी है और कुछ मामले में नहीं भी होती है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए आपको जो है ना मिनिमम कितना साल होना चाहिए राष्ट्रपति का जो है ना आपको उम्मीदवार बनने के लिए? कम से कम आपको 35 साल का जो है ना उम्र होना जरूरी है। 35 साल की उम्र अगर आप नहीं को अटेन कर पाते हैं तो आप जो है ना राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। तो आपको राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आपको कम से कम कितना साल होना चाहिए? 35 साल। अब देखिएगा राष्ट्रपति के लिए तो 35 साल देख लिया, प्रधानमंत्री पीएम के लिए कितना होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ, 25 साल। पीएम के लिए 25 साल क्यों होता है? क्योंकि पीएम बनने के लिए आपको जो है ना या तो लोकसभा या राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो है ना आपको कम से कम कितना साल होना चाहिए? 25। और राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए? 30। तो लोकसभा के लिए मैंने कितना बोला? 25। और राज्यसभा के लिए 30। तो अगर वो लोकसभा का मेंबर बनने की अगर उसमें योग्यता है तो पीएम बन सकता है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और जो है ना पीएम बनने का जो है ना न्यूनतम उम्र कितना है? 25 साल। ऐसे भी हमने ट्रिक के जरिए बताया था लोक दो वर्ड का है तो 25 साल ऐसे याद कर लेना, कंफ्यूजन होता है लोगों को तो कि लोकसभा वाला था, राज्य 2.5 वर्ड का है, ज्यादा है तो हम लोग इसको कैसे याद कर लेंगे, ज्यादा है इसलिए 30। और लोक जो है ना कम है, मतलब कम सदस्यों, कम जो है ना इसमें वर्ड है, इसलिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 साल का जो है ना उम्र होना जरूरी है। राष्ट्रपति के लिए भी जो है ना मैंने बताया 35, प्रधानमंत्री के लिए 25 बताया, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 बताया। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेता है भाग? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, सभी सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प्रश्न है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? किसी भी राज्य में आपको धन विधेयक को पेश करना है तो उसके पहले आपको जो है ना उस राज्य के राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक है। उस राज्य के राज्यपाल की अनुमति के बिना उस राज्य में आप कोई भी विधेयक, मतलब धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। जो आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वही आपको राष्ट्रपति का भाषण, अभिभाषण तैयार करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना जरूरी है? तो इसका उत्तर है 2 बार। एक वर्ष में कम से कम जो है ना 2 बार जो है ना आपको संसद का बैठक होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि देखिए ऐसा ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि आपको 2 संसद की बैठक के बीच, कितने संसद के बैठक के बीच कितने माह का अंतराल जो है ना, इस कितने माह के अंतराल से अधिक नहीं हो सकता है? तो 6 माह का अंतराल से अधिक नहीं हो सकता। उसी को ऐसे उसने पूछ दिया कि एक वर्ष में कम से कम कितना बार जो है ना संसद का जो है ना मीटिंग होना जरूरी है? तो एक वर्ष में कम से कम जो है ना 2 बार जो है ना संसद का मीटिंग होना जरूरी है। मतलब 2 बैठकों संसद के, मतलब जो है ना 2 बैठकों के बीच 6 माह से ज्यादा अंतराल नहीं हो सकता है। ठीक है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से आपको मुक्त हो जाना पड़ता है? तो वो इसका अंतर होगा, इसका आंसर होगा आपको 6 महीना। 6 महीना मतलब आपको कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का अगर सदस्य है तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राज्यसभा का अगर सदस्य है या लोकसभा का सदस्य है तो आपको मंत्री भी चुना जा सकता है। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो है ना आपको मंत्री बना दिया गया है या प्रधानमंत्री बना दिया गया है जो न तो लोकसभा का मेंबर है और न ही राज्यसभा का मेंबर है तो वैसे मंत्री को 6 महीने के भीतर आपको जो है ना लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्यता लेना पड़ेगा, नहीं तो उसको मंत्री पद से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको आंसर क्या है, वह मंत्री जो जो है ना किसी सदन का सदस्य नहीं है उसको 6 महीने बाद जो है ना पद से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, पद से पद त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसको पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का।
ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है ना राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो है ना आपको प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है। राज्यसभा में कितने लोग जो है ना लोग चुन के आते हैं यूपी से, 31, और लोकसभा में कितने लोग चुन के आते हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से, तो 80। क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है ना उत्तर प्रदेश है, इसलिए लोकसभा सीटों की संख्या भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है और राज्यसभा सीटों की संख्या भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता जो है ना आपको भारत का महान्यायवादी है। भारत का कौन होता है आपको मुख्य विधि विधि का परामर्शदाता कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? मतलब जो संविधान का कौन सा अनुसूची है जिसमें आपको केंद्र और राज्य के बीच जो है ना आपको शक्तियों का बंटवारा का वर्णन है। तो आपको मैंने बताया था कि जो संविधान का 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची, कौन सा शेड्यूल? आपको 7वीं जो अनुसूची है उसमें जो है ना आपको पावर का बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो सरकार, केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उनके बीच शक्तियों का जो है ना विभाजन है, तो 7वीं अनुसूची में है। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो आपको 7th शेड्यूल में जो है ना 3 सूचियां बनाई गई हैं, एक राज्य सूची, ठीक है, और दूसरा जो है ना आपको समवर्ती सूची, और तीसरा जो है ना आपको क्या बनाया गया केंद्र सूची या जो है ना संघ सूची, क्या कह सकते हैं इसको, संघ सूची, ठीक है। इसको जो है ना स्टेट लिस्ट कहते हैं, स्टेट लिस्ट, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट जो है ना स्टेट लिस्ट में आते हैं, कुछ सब्जेक्ट जो है ना आपको किस में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समवर्ती सूची, और कुछ होता है आपको यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची। मतलब यूनियन लिस्ट पे जो है ना कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है। यूनियन लिस्ट मतलब जो है ना संघ सूची पे जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी विषय हैं, उन सब पे जो है ना कानून बनाने का अधिकार किसको है, आपको केंद्र सरकार को है। स्टेट लिस्ट मतलब जो आपको राज्य सूची है, मतलब क्या आपको जो राज्य सूची है उस पे कानून बनाने का अधिकार किसे है, उस पे कानून बनाने का अधिकार जो है ना केंद्र राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची पे जो है ना आपको कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। खैर इसके बारे में कभी और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं अभी बता दूं कि केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार के बीच जो है ना यहाँ पे शक्ति का बंटवारा देखने को नहीं मिल रहा है। क्या? क्योंकि आपको यूनियन लिस्ट में जो है ना आपको कानून बनाने का अधिकार, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को, और स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है। तो यहाँ पे जो है ना हम कह सकते हैं कि 7वीं अनुसूची में जो है ना आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो है ना आपको शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना? राज्यसभा में जो है ना मैं बात कर, क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है, ठीक है, और कितना? सबसे ज्यादा जो है ना आपको उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में जो है ना उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, और उत्तर प्रदेश का जो है ना कितना है, 31 है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का जो है ना आपको प्रतिनिधित्व कितना है, 31 सीट का है, और आपको लोकसभा का कितना है, 80 सीट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमने बताया, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमने आपको बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए नहीं, राष्ट्रपति के लिए आपको राज्यसभा और आपको लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, उस राष्ट्रपति के इलेक्शन में मैं बताऊं आप लोगों को, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। क्योंकि यहाँ पे जो लोकसभा और जो राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं सदस्य, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को जो है मनोनीत किया जाता था, जिसको जो है ना संविधान संशोधन के जरिए खत्म कर दिया गया, ठीक है। आपको राज्यसभा की अगर मैं बात करूं, तो राज्यसभा में भी की मैं बात कर रहा हूं, तो ये राज्यसभा में जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कला विज्ञान के मामले में जो है ना जान बहुत ज्यादा विशेषज्ञ होते हैं, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में,
तो ये सबके क्षेत्र में जो क्षेत्र में जो विशेषज्ञ होते हैं उनको जो है ना किनके द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यहां से कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। लेकिन अब बताइए ऐसी स्थिति में जो है ना ये लोग जो है ना किनको, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं वो राष्ट्रपति को ही वोट दे देंगे कि नहीं दे देंगे? तो ऐसी स्थिति में इसीलिए राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें जो है ना मनोनीत सदस्य जो है ना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो आपको इलेक्शन के थ्रू आते हैं, जो इलेक्ट होके आते हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो आपको जो है ना क्या होते हैं, आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? तो महालेखा परीक्षक जो होता है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग की अगर मैं बात करूं तो उसके कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 149 में। किसमें है आपको? अनुच्छेद 149 में। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार अयोग्यता के बारे में उपबंध है? अरे दल बदल अधिनियम जो है ना 10वीं अनुसूची में, दल बदल अधिनियम किसमें है आपको? 10वीं अनुसूची में, जिसको हम लोगों ने 52वां संविधान संशोधन, कौन सा? 52nd जो है ना आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 1985 में हम लोगों ने इसमें संविधान संशोधन के जरिए जो है ना इसको जोड़ा था, दल बदल विरोध अधिनियम। आपको दल बदल विरोध अधिनियम का जो है ना उल्लेख कौन से अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, मैं पहले भी बताया था कि आपको हमारे संविधान में जो है ना कुल जो है ना जब बनकर के तैयार हुआ था जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। टोटल अभी कितनी अनुसूचियां हैं आपको? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुच्छेद की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुसूची शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10वां जो है ना आपको अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में आपको दल बदल विरोध अधिनियम को जो है ना आपको ऐड किया गया था, 52वां संविधान संशोधन 1985 के जरिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रति, मतलब ये जो है ना थोड़ा सा आपको बड़ा क्वेश्चन है, इसका मैं शॉर्ट में आप लोग को समझा दूं। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना वो एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पे होता है। किसके द्वारा होता है? आपको एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल जो है ना इसको वोटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत में जो है ना आपको जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पांडिचेरी के प्रशासक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं। और जैसे हमारे बिहार राज्य में, एमपी में, कर्नाटक में या अन्य राज्यों में जो है आपको क्या देखने को मिलता है कि आपको यहाँ के राज्यपाल होते हैं, सभी राज्यों के क्या होते हैं? राज्यपाल। लेकिन ये सब जो पांडिचेरी है जो और जो अंडमान निकोबार का जो प्रशासक होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? उपराज्यपाल कहते हैं। बिहार में लोकसभा और राज्यसभा के लिए कितने सीटें निर्धारित की गई हैं? तो बिहार में आपको लोकसभा और राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 16 सीट और लोकसभा के लिए कितने सीट? 40 सीट। बिहार में कितना? लोकसभा के लिए 40 और राज्यसभा के लिए 16 सीट निर्धारित की गई। अभी यूपी में आपको सर्वाधिक मैंने बताया था कि यूपी में जो है ना लोकसभा के लिए मैंने क्या बताया था? 80, बिहार का दोगुना, और आपको लोकसभा के लिए कितना, सॉरी राज्यसभा के लिए कितना? 31, दोगुना से, मतलब राज्यसभा के दोगुना से एक कम हो गया। जैसे भी याद करना आप लोग याद कर लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा वीडियो को, बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई उसमें जो है ना संदेह की बात नहीं है। तो बिहार में हम लोगों ने देखा लोकसभा के लिए 40 सीट निर्धारित की गई है और राज्यसभा के लिए 16 सीट। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो आपको राष्ट्रपति होता है। देखिए क्वेश्चन ये है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, ये भी आ सकता है आपकी क्वेश्चन में कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। या कह सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, तो भी उसका उत्तर भी क्या हो जाएगा आपको? राष्ट्रपति हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? ठीक है, राष्ट्रपति में होती है। तो यही बोल रहा है कि जो राष्ट्रपति होता है ना वो संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग किसकी सहायता से करता है, तो आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से वो आपको जो है ना संघ की शक्तियों का प्रयोग, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक कितने, एक अलग टाइप का पता नहीं क्या क्वेश्चन इसने प्रिंट कर दिया है, आगे देखिएगा। हम लोग जो है राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? राष्ट्रपति जो है ना आपको
5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। कितने समय के लिए आपको करता है वित्त आयोग का गठन? 5 साल के लिए। और हमने ये भी आपको बताया था कि कितने संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग का जो है ना प्रावधान है। वित्त आयोग का हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। वित्त आयोग का जो है ना अगर बात करें तो वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे संविधान का जो है ना ड्राफ्टिंग किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने किया था। हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना आपको रूपरेखा कैसा होगा, उसकी प्रारूप, उसका प्रारूप कैसा होगा, मतलब कह सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड कौन था, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है ना प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इस समिति में जो प्रारूप समिति थी, कौन सी समिति, ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, कौन सी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसको ड्राफ्टिंग कमेटी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। कितनी थी? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो भाग 3 में जो है ना आपको क्या किया गया है, मौलिक अधिकार के प्रावधान को शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार के प्रावधान को कौन से जो है ना भाग में शामिल किया गया है? तो भाग 3 में। अरे इसीलिए तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना काटा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना काटा। भारतीय संविधान का मैग्ना काटा कौन सा भाग है? तो आपको भाग 3। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो आपको अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है ना वर्णन है। ठीक है, किस भाग में है मौलिक अधिकार का वर्णन? तो भाग 3 में। कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद तो आपको 12 से 35। संविधान का जो है ना मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है भारतीय संविधान का? तो भाग 3 को कहा जाता है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, तो यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? मतलब भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, उसका आपको अलग से उल्लेख नहीं किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना आपको 19 के ए में कह सकते हैं, 19 के एक में कह सकते हैं, 19 के कै में कह सकते हैं, मतलब भारत के संविधान में जो है ना प्रेस की स्वतंत्रता का जो है ना उल्लेख आपको अनुच्छेद 19 के क में है। राज्यसभा तथा लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा अध्यक्ष। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि जो लोकसभा होता है उसकी अध्यक्षता, लोकसभा का ज्वाइंट सेशन अभी नहीं चल रहा है, अलग अलग सेशन चल रहा है लोकसभा का, राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो है ना सेशन चल रहा है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का सभापति। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, अभी हमने क्या बोला, लोकसभा का जो है ना जो अधिवेशन होता है, लोकसभा का जो सेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करता है आपको? लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन जब दोनों का ज्वाइंट सेशन होता है, दोनों का ज्वाइंट सेशन होता है, तब भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करता है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। जो संयुक्त संसदीय समिति होती है उसके जो आपको अध्यक्ष होते हैं उसका मनोनयन आपको लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं आगे, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? धन विधेयक के मामले में जो है ना राज्यसभा को 0 अधिकार है, ना कि कुछ भी अधिकार नहीं है, मतलब केवल और केवल उस पर सिफारिश कर सकती है राज्यसभा। आपको धन विधेयक के मामले में लोकसभा जो है ना बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, राज्यसभा को कुछ भी पावर नहीं है। मतलब कहा भी जाता है कि जो है ना मनी बिल जो है, धन विधेयक जो है, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा को जो है ना आपको मनी बिल के मामले में पावर है, आपको धन विधेयक के संबंध में जो है राज्यसभा को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, केवल और केवल सिफारिश करने का अधिकार है, और सिफारिश को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? अरे तो लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र हो या आपको जो है ना ये जो परिसीमन का काम जो है ना वो परिसीमन आयोग करता है। कौन करता है? आपको लोकसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसका परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग।
भारत में कितने हो आपको हाई कोर्ट हैं, तो मैं बता रहा हूँ ये 24 लिखो, पहले का डेटा है आपको 25 है। भारत में जो है ना आपको उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25 है। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य है। भारत में कितने राज्य हैं आपको, 28 राज्य है, ठीक है, 28 राज्य है। और इस 28 राज्य के साथ साथ 8 जो है ना आपको यूनियन टेरिटरी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 स्टेट है और उसके साथ साथ जो है ना आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो वह भारतीय जो राज्य की नागरिकता होती है उसका क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है ना अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वो जो है आपको उसकी स्वतः खुद ब खुद जो है ना भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है खुद ब खुद स्वतः। मैंने अभी थोड़ी देर तो पहले बताया था भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का जो है ना प्रावधान है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया है, तो भारत में जो है ना संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के आधार पे किया गया है। मतलब भारत में संविधान सभा का जो है ना गठन कौन सी योजना के आधार पे किया गया है, तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है ना आपको भारत में कब आया था, तो हमने बताया कि आपको 1946 में कैबिनेट मिशन योजना जो है ना आपको कब आई थी, 1946 में, इसी के तहत जो है ना संविधान सभा का गठन किया गया था। और उसी में जो है ना आपको 9 दिसंबर 1946 को जो है ना संविधान सभा की पहली बैठक होती है, 11 दिसंबर को जो है ना 1946 को दूसरी बैठक होती है। पहली बैठक के अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरी बैठक के जो है ना जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में आपको जो है ना संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के संबंध में हमारे संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो है ना आपको प्रावधान किया गया है। सॉरी, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के जो है ना प्रशासन के संबंध में हमारे संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूची में इसका प्रबंध किया गया। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया, 26 नवंबर 1949 को। हमारे संविधान का जो है ना ड्राफ्टिंग जो है ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने जो है ना 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया। मतलब आपको हमारा संविधान बन के आपको जो है ना कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, अंगीकृत हो गया था हमारा संविधान, लेकिन उसको लागू हम लोगों ने कब किया था, 26 जनवरी 1950 को। ऐसा नहीं है कि 26 नवंबर 1949 को जो है ना हमने बिल्कुल भी संविधान नहीं लागू किया था। कुछ एक बातें जो है ना, चार एक बातें हम लोगों ने आपको 26 नवंबर 1949 को भी लागू किया था, लेकिन पूर्ण रूप से हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को न लागू होकर के पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सर्वप्रथम किस संविधान अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापना जो है ना की जाती है, तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था उसके द्वारा जो है ना आपको आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना भारत में की जाती है, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता दूं, जो 1909 था वो 1909 में आपको मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब हुआ था, 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आपको 1919 में। भारत के शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है, भारत का जो है ना वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री, नाम मात्र का, रियल हेड कौन, नॉमिनल हेड कौन होता है, नाम मात्र का जो है ना प्रधान कौन, नाम मात्र का अगर पूछेगा तो आप लोग क्या लगाइएगा, आपको राष्ट्रपति। रियल हेड मतलब वास्तविक प्रधान कौन होता है, आपको राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधान जो है ना आपको प्रधानमंत्री। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको जिस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है, कौन से भाग में है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो आपको भाग 3 को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा।
विधान परिषद में जो है ना सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो विधान परिषद जो इसी 1909 का अधिनियम, 1909 मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 के जो अधिनियम के तहत जो है ना आपको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, जो विधान परिषद होता है, उसमें सबसे पहले जो है ना भारतीयों को जो है ना आपको प्रतिनिधित्व दिया गया था 1909 के अधिनियम के तहत। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश जो है ना आजाद हो गया था, लेकिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसके बीच जो है ना भारत एक डोमिनियन स्टेट कहलाता था। भारत को जो है ना आपको राष्ट्रकुल का जो मतलब ब्रिटिश जो राष्ट्रकुल था उसका एक अधिराज्य था, उसका जो है ना एक डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ था आपको। लेकिन अभी जो है ना भारत का डोमिनियन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी भी जो है ना डोमिनियन स्टेटस है भारत का, नहीं, बिल्कुल भारत एक सोवरेन कंट्री है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत पे जो है ना विदेशी सत्ता का हस्तक्षेप अधिकार नहीं है। बहुत सारे मामलों में, सभी मामलों में जो है ना भारत अपने निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, अब ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो रही है जिसके अंदर जो है ना आप कह सकते हैं कि जो एक संप्रभुता सभी राष्ट्रों की संप्रभुता पर है, ऐसा नहीं है कि भारत पे सभी मतलब एक जो है ना ये जो ट्रेड हो रहा है दो देशों के बीच, जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, एक तरह से उसको शॉर्ट टर्म में एक जो है ना एक शब्द में कहा जाए तो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के चलते आपको ये जो किसी भी देश की संप्रभुता पे जो है ना थोड़ा सा जो है ना मतलब खतरा नहीं कह सकते हैं, तो उसको एक अच्छा टर्म मतलब कहा जा सकता है कि कोई उस पे संप्रभुता पे जो है ना एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो राष्ट्र कहा जाता है उस पे थोड़ी सी जो है ना आपको उसकी प्रासंगिकता मतलब खोते जा रही है। इतना तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आपको जो है ना संप्रभुत्व संपन्न जो सोवरेन कंट्री कहलाने का जो हक होता है उसकी प्रासंगिकता पे थोड़ा सा जो है ना उसकी प्रासंगिकता होती जा रही है। खैर, ये सब जो है ना हम लोग को ज्यादा नहीं जानना है। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? किसकी अनुमति से कोई भी भारतीय नागरिक जो है ना विदेशी सरकार से उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो आपको भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेके ही आप किसी भी विदेशी सरकार से, आपको फॉरेन कंट्री जो फॉरेन जो सरकारें होती हैं वो विदेशी जो सरकारें होती हैं उनसे कोई उपाधि और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। जब आपको जो है ना कोई भी उपाधि अगर लेना है, कोई आपको जो है ना सम्मान प्राप्त करना है, तो आप भारत की राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आप उपाधि नहीं ले सकते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है ना हम लोगों ने मौलिक अधिकार की संख्या घटा दी थी? तो आपको संविधान में जो है ना मूल अधिकार पहले कितने थे? 7 थे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। अब मौलिक अधिकार की संख्या कितनी हो गई है? अब कितना है? 6 है। तो मतलब मौलिक अधिकार की संख्या जो है ना घटा दी गई। कौन से संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन? 1978 में हुआ था। ये जो है ना संविधान में जो है ना 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने जो मौलिक अधिकार 7 थे उनमें से जो है ना घट के अब कितना हो जाता है? 6 रह जाता है, मतलब एक घट जाता है। वो कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार को जो है ना क्या कर दिया जाता है? कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। हाँ, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान का उच्च न्यायालय जो है ना आपको जोधपुर में, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? जोधपुर में है। मैं अगर बात करूं तो ऐसा मत सोचना कि राजस्थान का जो है ना आपको कैपिटल कहाँ पे है, जयपुर है, तो जयपुर हो जाएगा उसका उत्तर। नहीं, आपको राजस्थान का जो है ना आपको हाईकोर्ट कहाँ पे है, उच्च न्यायालय कहाँ पे है? जोधपुर में है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आपको सुकुमार सेन थे। आप लोग करेंट से भी अपडेट रहिएगा, ठीक है, कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आप लोग को कमेंट करना है। तो ये कह सकते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, याद कर लीजिएगा, सुकुमार सेन थे। कौन थे? भारत की सर्वोच्च विधि कौन है? संविधान है। और भारत की सर्वोच्च कानून व्यवस्था क्या है? संविधान। भारत का संविधान ही सर्वोच्च विधि है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के ए में है। अनुच्छेद 39 के ए में जो है ना समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 के ए में है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, ठीक
ठीक है, वीडियो को जो है ना शेयर कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और लोगों को बिल्कुल जिन्हें ज़रूरत होगी उनको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने परीक्षा का जो है ना सुलभ तरीके से, आसानी तरीके से, सुगम तरीके से कर सकें। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन किस देश की संघ प्रेरणा पर आधारित है? तो भारतीय संविधान की जो संघ और राज्य के बीच शक्ति का भी बंटवारा जो है ना, वो हम लोगों ने कनाडा से लिया है। राज्य और जो है ना केंद्र के बीच शक्ति का बंटवारा जो है ना किस संघ की प्रेरणा से आधारित है? तो कनाडा देश की संघ की प्रेरणा पर आधारित है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे? तो अगर कोई भी जो है ना ऑर्डिनेंस लाया जाता है, अध्यादेश लाया जाता है आपको राष्ट्रपति के द्वारा, तो आपको संसद के अधिवेशन होने के आपको जो है ना 6 महीने के बाद वो जो है ना कानून, वो जो प्रस्ताव हो जाता है वो अप्रभावी हो जाता है, तब तक जब तक कि उस पे जो है ना संसद द्वारा जो है ना उस प्रस्ताव पे आप स्वीकृति न दे दिया जाए। अगर उसको स्वीकृति नहीं दे दी जाती है तो आपको 6 महीने बाद जो है ना वो आपको अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है, लेकिन अगर संसद स्वीकृति दे देती है तो जो है ना अध्यादेश क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों की संगठित, ग्राम पंचायत के बारे में जो है ना सिंपल सा याद करिएगा, ग्राम पंचायत क्या, ग्राम पंचायत का जो है ना कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? तो हम लोग याद करेंगे अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत का जो है ना गठन का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, ऐसे याद कर लीजिएगा। भारतीय जो भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? ठीक है, तो भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण का उल्लेख आपको क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के जरिए किया गया है। सत्ता का हस्तांतरण की बात कब कही गई? क्रिप्स मिशन के जरिए कही गई। आपको कब किया गया ये? क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले जो है ना प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आजाद हो रहा था 1947 के टाइम में, 1947 के जो है ना आपको समय में, आपको भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी जिसको कहते हैं, उसका अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारतीय स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी के। अब आप बताइए कि जो है ना भारत की स्वतंत्रता के समय, तो हमने बता दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। मैंने कल बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उस समय जो है ना कौन थे अध्यक्ष? तो उसके आंसर हमने कल क्या बताया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? केसी वियर का। मतलब ये कथन जो है ना किसका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। केसी वियर जो है ना बहुत ही बड़ा, मतलब जो है ना पॉलिटिकल साइंस के, जो है ना राजनीति विज्ञान के जानकार थे। उनने कहा कि भारत का संविधान जो है ना वो कहने को संघात्मक है, यहाँ पे जो है ना कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती है? एकात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। एकात्मक मतलब जो है, संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? केंद्र सरकार और राज्य के सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, लेकिन यहाँ पे देखने को ज्यादातर भारत के मामले में क्या मिलता है कि आपको जितनी भी शक्तियां हैं, मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहूंगा 2 मिनट में, इसके बाद जो है ना आपको 5 मिनट के अंदर जो है ना क्लास खत्म कर दूंगा, 5 से 7 मिनट के भीतर। तो यहाँ पे देखिएगा, 7th शेड्यूल में मैंने अभी आज ही बताया था कि आपको क्या है, शक्तियों का बंटवारा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। जो स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची है, इसको मैं राज्य सूची लिख रहा हूँ, राज्य सूची, एक संघ सूची और एक जो है ना आपको समवर्ती सूची है। इन तीनों में जो है ना आपको राज्य सूची में जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची में जो सब्जेक्ट हैं उस पे जो है ना कानून बनाने का अधिकार किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को है। आपको संघ सूची में किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ठीक है, और आपको समवर्ती सूची में किसको है? स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, ठीक है,
कि इस पे तो दोनों बना सकती है। तो स्टेट पे जो है ना कानून बनाने का अधिकार तो राज्य सरकार को है, सेंट्रल जो मतलब यूनियन लिस्ट है जिसको संघ सूची कहते हैं, इस पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, इस पे तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। इस पे दोनों ने बना दिया तो किसका वाला जो है ना मान्य होगा आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मान्य होगा। अगर जो है ना स्टेट जो लिस्ट में है, जो राज्य सूची में जो आपको सब्जेक्ट्स हैं, उस सब्जेक्ट पे उस विषय पे भी जो है ना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह के कानून बना देती है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है, ये राष्ट्रीय हित का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी जो है ना ये जो जिस जिस सब्जेक्ट को जिस जिस आपको जो है ना विषय को बोल दिया कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है और इस पे राष्ट्रीय हित का सब्जेक्ट है, ये राष्ट्रीय हित का मामला है, तो इस पे कानून कौन बनाएंगे? हम बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी जो है इस पे भी कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है। मैंने पहले ही बताया सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो है ना जो यूनियन लिस्ट है उस पे कानून तो खैर यही बनाएगी, ठीक है। इस पे अगर दोनों बना देती है तो इसका किसका वाला मान्य होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। और इसमें भी जो है ना नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट बता के जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उसको नेशनल इंपोर्टेंस राष्ट्रीय हित का जो है ना विषय बता के इस पे भी कानून बनाने का अधिकार जो है ना किसको मिल जाता है? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भारत में जो है ना फेडरल सिस्टम नहीं है, संघात्मक शासन व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहने को जो है ना आपको अधिकारों का बंटवारा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में सभी मामलों में जो है ना आपको कौन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है? आपको केंद्र सरकार बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वैसे तो केंद्र सरकार शक्तिशाली होनी भी चाहिए, ठीक है, चाहे भारत की अखंडता जो है ना एकता ये सबको सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन ये केसी वियर ने मतलब हमारा भारत का कोई भी पूछता है आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर बीपीएससी पूछती है बीपीएससी टीचर में या किसी भी एमपी पुलिस या किसी भी सवाल पूछा जाता है कि भारत में कौन सी व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है या एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो आपका उत्तर क्या होगा? संघात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन केसी बियर का कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि बिल्कुल सही है कि आपको भारत में कहने को संघात्मक है लेकिन देखने में क्या लगता है कि आपको भारत में रियल मायनों में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो वही तो इनने बोला कि आपको जो है ना शक्तियों का बंटवारा तो किया गया है लेकिन ज्यादातर मामलों में जो है ना कौन पावरफुल है? सभी मामलों में आपको केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। इसलिए केसी वियर बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंस है के जानकार हैं, उन्होंने बोला कि आपको भारत संघीय नहीं बल्कि एकात्मक शासन व्यवस्था है, यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था देखने को कम मिलता है, एकात्मक ज्यादा देखने को मिलता है। जहां तक उम्मीद है मैं समझा पा रहा हूँगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँगा। खैर आगे देखते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस में है। फिलीपींस मतलब ये फिलीपींस का जो है ना आपको कैपिटल कहाँ है? मनीला, मनाली नहीं, हिमाचल प्रदेश वाला मनाली वनाली नहीं है यहाँ पे। फिलीपींस जो है ना आपको एक कंट्री है, एक देश है, उसकी जो है ना कैपिटल मनीला में है। एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना हम लोग बात करेंगे कल क्योंकि वक्त हो चुका है, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और लोगों को इस वीडियो को अगर समझ में आए तो शेयर कीजिएगा जिससे अन्य परीक्षार्थी भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।